हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का चैनल पर स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्टूडेंट के सेंटर स्थाई रहने वाले हैं इस बार या फिर सेंटर जाएंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो इंपॉर्टेंट है, वीडियो को अंत तक देखते रहें। अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के साथ साथ आल के बटन पर क्लिक कर लें, जैसे कि सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास सबसे पहले और फ्री में पहुँचती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट अब लगातार कमेंट करें कि आखिर में हमारा सेंटर स्थाई रहेगा कोविड-19 के कारण या फिर सेंटर जाएगा, क्योंकि स्टूडेंट में ये डाउट बना हुआ है कि इस बार सेंटर स्थाई ही रहेगा नहीं जाएगा। तो आखिर में क्या इसमें सही है कि स्टूडेंट का सेंटर स्थाई रहने वाला है इस बार या फिर सेंटर जाने वाला है? तो फ्रेंड्स, बिल्कुल आप कन्फर्म हैं कि आपका सेंटर स्थाई रहने का चांसेस ना के बराबर है। बिल्कुल आप कन्फर्म हैं। अगर लड़कियों को छोड़ दिया जाए, लड़कों का सेंटर लगभग जाने की संभावना 98% है। बिल्कुल आप कन्फर्म हैं, आपका सेंटर जाने की संभावना बहुत ज़्यादा है, खासकर जो प्राइवेट कॉलेज हैं। आप प्राइवेट की बात करें और थोड़ा कुछ रेगुलर कॉलेजों की बात कर रहे हैं, प्राइवेट का तो सेंटर जाना ही जाना है, लगभग कन्फर्म है। कुछ गवर्नमेंट कॉलेज का भी सेंटर जा सकता है, लेकिन लड़कियों का स्थायी रहने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। और अपने दिमाग से बिल्कुल ये बात निकाल लीजिए कि इस बार ड्यू टू कोविड-19 आपका सेंटर स्थायी रहेगा, ऐसा कोई भी अभी तक प्रावधान नहीं है। और कानपुर यूनिवर्सिटी से जो लगातार अपडेट प्राप्त हो रही है, जो विभिन्न माध्यमों से प्राप्त हो रही है, उसके अनुसार भी यही कहा जा रहा है कि आपका सेंटर जो है बिल्कुल जाएगा। ये हो सकता है कि उसकी दूरी कम कर दी जाए, जैसे आपकी लगभग दूरी 10 किलोमीटर से घटाकर 5 किलोमीटर या उससे लगभग कम हो जाए, लेकिन बिल्कुल आपका सेंटर जाने का चांसेस पूरे पूरे बने हुए हैं।